नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, रियलमी कंपनी मार्केट में एक बार फिर से एक और नया धमाका करने जा रही है। दोस्तों, कंपनी की तरफ से ऐसी लीक्स डिटेल सामने आई है कि रियलमी कंपनी मार्केट में अपनी रियलमी 6 सीरीज को लेकर आ रही है। दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही रियलमी कंपनी ने अपनी रियलमी 5 सीरीज को मार्केट में उतारा है। तो दोस्तों, अब रियलमी कंपनी रियलमी 6 सीरीज को लेकर आ रही है, जिसमें आपको रियलमी 6 और रियलमी 6 प्रो मोबाइल देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, रियलमी 6 प्रो मोबाइल को लेकर बहुत सी लीक्स डिटेल सामने आ चुकी हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको रियलमी 6 प्रो मोबाइल की फीचर्स, इसके प्राइस, इसकी लॉन्चिंग डेट आदि के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखें, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए रियलमी 6 प्रो मोबाइल की, दोस्तों ऐसी लीक्स डिटेल सामने आई है कि इस मोबाइल के अंदर आपको रियलमी 5 प्रो मोबाइल से ज्यादा बढ़िया और अच्छे फीचर्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर बात की जाए इस मोबाइल की डिस्प्ले की, तो दोस्तों लीक्स डिटेल के मुताबिक इस मोबाइल के अंदर आपको कंपनी 6.5 इंच की फुल एचडी सुपर एमोलेड डिस्प्ले देगी। लेकिन दोस्तों, इस मोबाइल के अंदर आपको शायद वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि दोस्तों ऐसी लीक्स डिटेल सामने आई है कि इसके अंदर आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलेगा। और दोस्तों, मार्केट में इस स्मार्टफोन को कंपनी 4 GB, 6 GB और 8 GB रैम के साथ उतार सकती है, जिसके साथ आपको 64 GB, 128 GB और 256 GB का वेरियंट देखने को मिलेगा, जिसके साथ आपको माइक्रो एसडी कार्ड का भी स्लोट दिया जा सकता है। तो दोस्तों, रियलमी कंपनी रियलमी 6 प्रो मोबाइल को 3 वेरिएंट में लॉन्च कर सकती है। और अगर दोस्तों इस मोबाइल के प्रोसेसर की बात की जाए, तो दोस्तों इस मोबाइल के अंदर आपको कंपनी रियलमी 5 प्रो मोबाइल से ज्यादा बढ़िया और अच्छा प्रोसेसर देगी। दोस्तों, इस मोबाइल के अंदर आपको 2.3 GHz क्लॉक स्पीड वाले ओक्टा कोर प्रोसेसर के साथ स्नैपड्रैगन 730G का चिपसेट देखने को मिलेगा, और यह मोबाइल एंड्रॉइड 9 पाई के ऊपर लॉन्च किया जाएगा। और ग्राफिकली इस मोबाइल के अंदर आपको एडिनो 618 का GPU देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस मोबाइल के अंदर आपको प्रोसेसर भी बढ़िया दिया जाएगा, जिससे आपको यह मोबाइल बढ़िया और अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस देगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस मोबाइल के सबसे खास फीचर, इसके कैमरा सेटअप के बारे में। दोस्तों, ऐसी लीक्स डिटेल सामने आई है कि इस मोबाइल के बैक पैनल पर आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप ही देखने को मिलेगा, जिस तरह से आपको रियलमी 5 प्रो मोबाइल के अंदर देखने को मिला था। लेकिन दोस्तों, इस मोबाइल के अंदर आपको 64 MP, 13 MP, 8 MP और 2 MP का रियर कैमरा और 32 MP का फ्रंट पॉपअप सेल्फी कैमरा मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, इस मोबाइल के कैमरा के बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि दोस्तों इस मोबाइल के अंदर आपको कंपनी 64 MP के प्राइमरी कैमरा सेंसर के साथ दूसरे कैमरा सेंसर भी दे सकती है। लेकिन दोस्तों, इस मोबाइल के अंदर आपको शायद पॉपअप सेल्फी कैमरा जरूर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस मोबाइल की बैटरी के बारे में। दोस्तों, अगर बात की जाए रियलमी 6 प्रो मोबाइल की बैटरी की, तो दोस्तों इस मोबाइल के अंदर आपको कंपनी 4230 mAh की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली बैटरी देगी। लेकिन दोस्तों, इस मोबाइल के अंदर आपको शायद वो फ्लैश चार्जिंग 4.0 का सपोर्ट मिलेगा, जिसके साथ आपको 30 वाट या 50 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है। तो दोस्तों, बैटरी के मामले में यह मोबाइल आपके लिए बढ़िया रहेगा, इसके अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, जो कि आपके मोबाइल को बहुत ही फास्ट चार्ज करेगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं आपके लिए यह मोबाइल कैसा रहेगा और इस मोबाइल की कीमत कितनी होगी और यह मोबाइल कब तक लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों, अगर बात की जाए इस मोबाइल की कीमत की, तो दोस्तों मार्केट में इस स्मार्टफोन की कीमत 18 से 20 हजार रुपए के आसपास हो सकती है। और दोस्तों, अगर बात की जाए इस मोबाइल की लॉन्चिंग डेट के बारे में, तो दोस्तों वैसे तो इस मोबाइल की लॉन्चिंग डेट को अभी तक कंपनी ने कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों यह स्मार्टफोन आपको मार्केट में अगले साल जनवरी या फरवरी तक देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, आपके लिए स्मार्टफोन बढ़िया और अच्छा स्मार्टफोन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अंदर आपको बढ़िया और अच्छे फीचर्स मिलेंगे और इस मोबाइल की कीमत भी आपके बजट के अनुसार बिल्कुल सही रहेगी। तो दोस्तों, आपके अनुसार इस मोबाइल की कीमत कितनी?